करनाल लोकसभा से जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं, अभी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी जो उतारा गया है, क्या मानते हैं सर कितनी फाइट कर पाएगा? और जो कांग्रेस का कहना है कि युवा चेहरा है, बात यह है विपक्ष के आप खड़े मत देखना, 4 तारीख के बाद ये पड़े देखना कि गिरे कितने नंबर से। ये कोई एडवर्टाइजिंग से, भाषणों से या उससे बात नहीं होती है, लोगों के दिल की बात होती है और लोग अपना मन लगातार देखते रहते हैं कि किस पार्टी का क्या किरदार है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीत पाएगी बीजेपी? बिल्कुल पक्की, पिछली बार जीतते थे उसके बाद बहुत काम किया है केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार। बीजेपी के कुछ नेताओं का विरोध भी हो रहा है, जैसे जिसमें रणजीत चौटाला भी, अरविंद शर्मा भी हैं। देखिए ऐसा होता है, ये विरोध प्रायोजित होते हैं, जो लोग बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं वो हाथापाई पर होते हैं, ये ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी। आपका अलग मत हो सकता है, आप जाइए लोगों को समझाइए, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इससे अपनी तो चीज ही कोई नहीं है, किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पार्टियां अपनी बात समझाएं। और ये जो लोग विरोध करते हैं ये लोगों को जाके अपनी बात समझाएं, कांग्रेस को एक दूसरे से मत टकराएं एंड लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करना। अनिल विज साहब, जब सेंटर की बात करते हैं तो आप मोदी साहब की तारीफ भी करते हैं, क्या कोई नाराजगी है या स्टेट के नेताओं से कोई आपकी कुछ ऐसा? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगियां तो उनकी होती है जिन्होंने कुछ पाना होता और उनको नहीं मिलता, मेरे साथ कैसे कोई बात नहीं। क्योंकि 6 बार के विधायक रहे आप, होम मिनिस्टर रहे सर, कुछ विधायक हो, होम मिनिस्टर भी रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा सर। जो सपना आपने पुलिस के लिए देखा क्या वो आप पूरा कर पाए? अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी था, पर जो आए वो करेंगे। हमने जो रास्ते बना दिए, जो चीजें हमने कर दी, अब मैंने डायल 112 शुरू की, तो जो आने वाली सरकार है उसको चलाएंगी। मैं सारे चौकी थानों का रिन्यू करना चाहता था, जो आए वो करेंगी। मैं सारी भर्ती करना चाहता था, जो सरकार आएगी वो करेगी। एक सवाल और है सर, जब तक जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे, लेकिन अब गठबंधन टूटा, अलग अलग हुए, जेजेपी सीएम पर भी आरोप लगा रही है, बीजेपी जेजेपी की, क्या कोई राजनीति में मर्यादा नहीं होती, आपस में सम्मान नहीं करते एक दूसरे का? ऐसा है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इसी ही प्रकार की है, मिनट में भाषा बदल जाती है। कल तक हमारे साथ थे जब जेजेपी के लोग, तो जैसे हम बोलते थे अब की बार तो आगे से जवाब दे देते थे 400 बार, पर अब गठबंधन टूट गया, अब उनकी मजबूरी है,